सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग. बहुत दिनों बाद, क्योंकि लास्ट ब्लॉग जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था अभी जब हम लोग सीपी गए थे, वहाँ उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था, मेरे लिए तो अच्छा था, चाहे किसी के लिए हो ना हो. मतलब मेरे फर्स्ट डे में 1K व्यूज़ हो गए थे. मेरी किसी वीडियो में पहले दिन कभी भी 1K व्यूज़ नहीं हुए थे, तो थैंक यू फॉर दैट. आज कुछ नहीं, आज मेरी छुट्टी है, मतलब मेरा वीक ऑफ है आज. मैंने बताया था लास्ट किसी ब्लॉग में कि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, 3 से 12 हो गए, तो इसमें मुझे इतना आराम मिलता है, सुबह उठ भी आराम से जाती हूँ, और मतलब ऑफिस का काम भी हो जाता है ना, शिफ्ट ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं चलता. तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इन दिनों तो मेरी खुशी का ठिकाना ही, सब बर्तन फैले हुए, सुबह लाइट चली गई. तो मैं फालतू बकवास छोड़ के मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ. कहीं ऐसे नहीं जा रही एक्चुअली. क्या था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो घूमता रहता है, विहान, उसका आज बर्थडे है. तो विहान के पापा और सुमित दोनों ही गौर सिटी मॉल गए, जो कि हमारे घर के बहुत पास है, तो वहाँ गए उसके लिए कोई गिफ्ट देखने के लिए. तो मैं फ़िलहाल घर पे काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मेरा काम पूरा हो गया, वो लोग मॉल में ही होंगे, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाती हूँ, उन लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कहाँ गए, वो हामले गए हैं. तो देखते हैं, कहीं पता चला मैं पहुँची और मेरे से पहले उन्होंने गिफ्ट ले लिया और वो लोग बाहर आ गए, तो मेरा पोपट हो जाएगा. अब देखते हैं मैं उनको सरप्राइज़ देती हूँ या वो मुझे. मैं जा रही हूँ स्कूटी में, अब मैं बाल बांधती हूँ, स्कूटी में बाल उड़ जाएंगे. देख रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस, एक हाथ से स्कूटी एक हाथ से फ़ोन, बस ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में. ये देखो, तो मैं पहुंच गई हूँ गौर सिटी मॉल, जहाँ ये लोग हैं. बस होप मॉल में मुझे कोई दिख तो रहा नहीं है, बट होपफुली मुझे वो लोग दिख जाए मामले में, ऐसा ना हो कि वो लोग भी निकल चुके हों. अब लेट्स सी, पहले हमले ढूंढो किस तरफ है. इधर है, इधर है, इधर है, वो रहा. सी मुझे ऐसे भाग भाग के चढ़ना पड़ रहा है. तो मेरा हो गया पोपट, हमले में कोई नहीं है. और जब मुझे पता चला कि कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कॉल कर लूँ सुमित को. कॉल कर रही हूँ तो स्विच ऑफ. अब पूरे मॉल में कहाँ ढूंढूँ मैं. अबे यार, अब मुझे क्या बोलते, चील की नज़र से, बाज की नज़र से देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ है. अब मुझे शायद उस सेक्शन में जाती हूँ जहाँ पे किड्स वेयर या किड्स का कुछ ना कुछ मिलता है, शायद वहाँ मिल जाए. कहाँ ढूंढूँ इतनी जगह में मैं, पूरा मॉल खाली है तब भी नहीं दिख रहे ये लोग. तो वो मैंने कॉल मिलाया और कॉल लग गया सुमित का, तो पता चला कि वो मॉल से बाहर निकल चुके हैं. उस एक्साइटमेंट से मैं आई थी ना, वही एक्साइटमेंट के साथ मेरा पोपट हुआ है. तो मैं नीचे उतर रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर चले. इसका बर्थडे है. अरे विहान, उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं. विहान इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ. इसके लिए गिफ्ट नहीं देंगे, इसको गिफ्ट नहीं मिला, गुस्से में है. तो फाइनली हम दोनों, हमको ये दोनों मिल ही गए. तो मैंने स्कूटी यहाँ पार्क कर दी थी इन पर, और अब हम लोग जा रहे हैं विहान का क्या देखने भाई, गिफ्ट लेने. क्या चाहिए विहान, बताओ जल्दी. कार चाहिए, कार चाहिए. कार में बैठा तो है तू, छोटे. अरे बड़ी कार में बैठते हैं यार, छोटी कार में कौन बैठता है. छोटी चाहिए बताओ, लोग ऊपर जाना चाहते हैं नीचे जाना चाहते हैं. व्यान रेडी, रेडी कार लेने के लिए. हाँ इधर देखें किधर. अरे थैंक यू तो बोलो, मैंने बोला हैप्पी बर्थडे. हाँ थैंक यू. पापा मैं दो लूँगा. ड्रोन बजा के ये चुप हुआ है, इसके हाथ में कुछ आया है. हाँ बोलो. नहीं खोलना नहीं है अभी, अभी नहीं, घर पे जाके जब केक काटोगे ना. हो खराब, थैले में आ गया इसका सामान. चल आप कह रहे हो बाइक तो ले लेते हैं, इसके लिए कार ली तो कार. अरे इसके लिए कार ली तो कहता साइकिल दिलाओ, साइकिल ली तो कहता बंदूक दिलाओ, बंदूक ली तो कार दिलाओ. अब सब दिला दिया तो कर. अब आपके क्या क्या जानना, बाइक बाइक. अब कह रहे बाइक दिलाओ. 2 घंटे हो गए हम लोगों को. अभी अब कुछ लेने जाना, इसको घर पे छोड़ के जाना. सुमित लेकर आया था इसको, सुमित ने कान पकड़ लिए. घंटे ऐसी बेइज्जती करवा रहे थे बच्चे.
तो हमने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि हमारा क्या बोलते हैं खाना बनाने वाली चली गई थी, तो अब हम लोगों ने लगा लिया टिफिन। तो हमारा टिफिन आता है खाने में, अब उसी से खाते हैं। हमारा सब्जियों का खर्चा बचता है, लेकिन एक और खर्चा सुमित का ऐड हो चुका है, क्योंकि सुमित है डाइट पे। आप लोगों को कुछ पता चल रहा हो तो बताना सुमित को देख के कि थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ है नहीं हुआ। हाँ वेट भी दिखाऊंगी, क्योंकि क्या हुआ था याद है जब वो चेकअप वाला व्लॉग था तो उसमें सुमित का वेट 84 था, थोड़े बहुत उसमें कपड़े भी थे। तो लेकिन अब सुमित का वेट दिखाते जाओ, वेट करो। तो अभी सुमित का वेट हुआ है 79.7। ग्रेट जॉब। कितना लूज किया? 20-25 दिन टोटल तो भी कह लो कि 79 पर आ गया सुमित। अभी सुमित तुम्हारा टारगेट क्या है? 68 खराब है। 68 नहीं चुहा नहीं मेरा, डराओ मत, वो बाहर से ही आ रही है स्मेल। स्कूटी की ब्रेक थी तो ठीक से लग नहीं रही थी, तो हमने सोचा कि पहले स्कूटी की ब्रेक टाइट करवा दे, क्योंकि भैया मैं चला रही हूँ मैं, तो मुझे ब्रेक ठीक से चाहिए। तो साथ ही साथ जब हम पेट्रोल पंप पर आए, कोई मैकेनिक मिला नहीं, हमें पेट्रोल पंप पर आके फिर सुमित ने कहा मैं सर्विसिंग भी करा रहा हूँ, मैं पागलों की तरह यहाँ बैठी हूँ। हैंड टू हैंड सर्विसिंग, मैं तो उनके साथ साथ बैठ के उन्हें सर्विसिंग भी सीख रहा है कि कैसे करते हैं, भैया ये किस लिए होता है, वो किस लिए होता है। तुम्हें पता है सुमित, वॉशरूम इतना साफ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, मतलब अंदर जा रहा है अपने घर में भी। कसम से कह रही हूँ इतना साफ और कहीं से कोई स्मेल नहीं, मतलब लगी नहीं रखी कोई पब्लिक टॉयलेट है यार। तो सुमित ने मुझसे स्कूटी ले ली, अब कहा है कि भैया मैं चलाऊंगा, मेरी कमर दर्द हो गई पीछे खाली बैठे बैठे। लाइट बड़ी कम है यहाँ पे, अरे व्लॉग बना रही थी। हम लोग पहुंच गए फाइनली घर, पहुंच गए। घर पहुंचते ही मम्मी ने कहा चाय बना दो, अब देखो मम्मी दुकान पर बैठी है, सनी ऑफिस गया हुआ है तो कुछ है नहीं, तो मैंने कहा फटाफट चाय बना देती हूँ और मम्मी को भी दे देती हूँ। सुमित अपने आप को शीशे में देख देख के अपनी तारीफ करता ही नहीं थक रहा है, माय गॉड दिखा रहा पीछे करो कैसे से एकदम से लड़कियों की तरह आगे दिखाना कैसे लग रहे हो यार, अभी इसमें तो मोटे ही लग रहे हो, तोड़ रहे हो अपने डाइट। अरे यार मैं चाय में मलाई जाऊंगी व्लॉग के चक्कर में। तो सन्नी का इंतजार करते करते रह गए हम लोग 8 बजे, अब आ रहा है 9 बजे। हाँ क्या दिखा रहे हो, KTM एक्सीडेंट? अच्छा हाँ, ये अभी न्यूज आई थी मेरे पास से, अटक गई थी क्या इसकी बाइक? देखिए हिम्मत नहीं होगी अब क्या अगला लगी है इसको, देखो बिल्कुल। अरे वो ट्रेन खच्चे उसके उड़ गए ना वो चिथड़े, तो वो उसके लग गए होंगे। उसने जैसी वहाँ पे पहुंचा ना, उसने देखा जैसी बाइक आई, उसने मुझे छोड़ दी। फाटक लगा हुआ है, फाटक के आगे भी कुछ। चलो खाना पीना हो गया हमारा, इस यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी है, तो ज्यादा मैं व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, ये खराब है। फोन मुझे चलाता है नहीं, आज मैंने पूरे दिन यहाँ पे आके चलाया फोन, मतलब मेरे हाथ पे ही था फोन। सेल्स वाले ले जाते हैं फोन, हर घर घर की कहानी, कुछ भी हो रहा फोन क्यों चलाता है और जोक्स नहीं आते। मैडम मम्मी पेट पे दर्द हो रहा है, फोन आग लगा दे फोन को। मम्मी पैर दर्द हो रहा है, आग लगा दे फोन को। आज मुझे बोल भी रहे थे सर कि आज तो फोन नहीं चला रहा, मतलब फोन ही नहीं, कहां से चला है नहीं, मतलब अच्छा ले गए। सेल्स वाले ले जाते हैं इनको, इनका क्या नंबर होता है स्पैम में आ जाता है, ये ज्यादा कॉल करते हैं ना, फिर दूसरों का नंबर मांग मांग के करते रहते हैं ऐसे। तो आज का व्लॉग खत्म, चुपचाप से शांति वाली एंडिंग दे दो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस ज्यादा से ज्यादा।
ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए बहुत। चलो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 70 केजी पे, समझ गए ना, समझ गए ना।